नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर विजिलेंस की टीम की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा का है, जहां सदर अस्पताल में कार्यरत एक क्लर्क के मकान पर विजिलेंस की टीम की आज अहले सुबह छापेमारी हुई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इसी मकान के अंदर विजिलेंस की टीम अभी मौजूद है और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अभी जो तत्काल जो है छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि सुबोध ओझा मूल रूप से खबरा के निवासी हैं और सदर अस्पताल में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं, जिनके घर पर अभी निगरानी विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसके बाद क्या कुछ निकलकर बाहर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी इसी मकान में के अंदर विजिलेंस की टीम मौजूद है और उनके इस मकान के साथ साथ उनके कई और जगहों पर विजिलेंस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है।